दौसा संभाग में क्या रही हलचल बता रहे हैं संवाददाता उन्नाकर। कोटा जिले के बासेखेड़ी गांव में तेल व प्राकृतिक गैस भंडारों की संभावनाओं के बीच गुजरात की जोन एनर्जी कंपनी ने सूर की खुदाई ओएनजीसी के सर्वे में हुआ था खुलासा, तो वहीं झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों व तीमारदारों की मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। डॉक्टर पुलिस के बर्ताव से खफा होकर सीआई दिनेश मीणा को निलंबित करने की कर रहे हैं मांग। वहीं इस बीच कई बार हुई समझाइश, चला बातचीत का दौर, लेकिन नहीं निकला कोई हल। कोटा संभाग से हम दिखाएंगे आज आपको अपनी सिटी में सबसे बड़ी खबरों में। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका और अपनी सिटी में अब जानेंगे कोटा संभाग की खबरें। कोटा के रामगंज मंडी के आसपास के इलाकों में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने तेल और गैस की संभावनाओं के मद्देनजर गुजरात की जॉन एनर्जी के साथ खुदाई का काम शुरू कर दिया है। ड्रिलिंग एजेंसी हिट के मुताबिक खुदाई का लक्ष्य पूरा होने के बाद तेल और गैस मिलने के बारे में स्पष्ट तौर पर पता चल सकेगा। अंडर में जॉन एनर्जी लिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है और वो ड्रिलिंग कंपनी है जॉन एनर्जी लिमिटेड। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 2700 मीटर तक जाने का है, उसके बाद लॉगिंग यूनिट आएंगे ओएनजीसी की तरफ से, वो देखेंगे इसमें क्या निकलेगा, तेल निकलेगा गैस निकलेगा, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे क्या है। फिलहाल तो हमें 2700 मीटर तक डेप्थ तक जाना है। 2700 मीटर डेप्थ होने के बाद लोगो यूनिट आएगा जो लॉगिन करके ये बताएगा कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। अगर उस संभावना आगे होगी कि डेप्थ करने की, फिर आगे क्या जाएगा, नहीं अगर वहीं तक होती है तो फिर वहीं स्टॉप किया जाएगा। जो जितने भी सभी इन्वायरमेंटल के अंदर होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पूरा लिया जा रहा है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, हेल्थ यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं कर्मचारी सारे के सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, और यहाँ तक कि अगल बगल सराउंडिंग कुछ ना स्पिलेज ना हो इसका भी ध्यान हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल का यूज़ हो रहा है। तो ये सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड और हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जितने भी प्रोटेक्शन है हम लोग उसको ले रहे हैं। टायर बदल दिया